हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, टुडेज वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिस ईद मेकअप लुक, जो बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है एज एन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक, या किसी भी फंक्शन में आप इसे कर सकते हो। होप आपको वीडियो पसंद आएगी। ये जो लुक है, आप पासे की जगह जस्ट टीका वेयर कर सकते हो, स्टोन बिंदी, सो अपने अकॉर्डिंग आप ज्वेलरी वेयर कर सकते हो। सो या गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई या हेल्पफुल लगे, सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद फेस वॉश। तो मैं यहाँ पे फेस वॉश के लिए यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम द ब्रांड न्यूड कैरेट सीड फेस वॉश। इट हैज़ ब्यूटीफुल पैकेजिंग, यू कैन सी, बहुत ही प्यारी क्लासिक सी पैकेजिंग है। और अगर मैं इसकी फॉर्मुलेशन की बात करूँ तो बहुत ही प्यारा फॉर्मुलेशन है, एज एन क्रीम कंसिस्टेंसी है इसकी। आप बहुत अच्छे से जेंटली अपने फेस को मसाज करते हुए 2 सेकेंड 1 सेकेंड के लिए आपको अच्छे से मसाज देनी होती है। यू कैन सी फेस बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है, तो काफ़ी अच्छा है। इट हेल्प टू रिड्यूस योर एजिंग साइंस, तो काफ़ी अच्छा फेस वॉश है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। देन इसके बाद मैंने फेस को स्किन केयर किया है, टोनर अप्लाई किया है। देन मैं यहाँ पे क्रीम यूज़ कर रही हूँ। कोई भी आप स्किन केयर स्किप मत करो, बस कोई भी स्किन केयर करो बजट के अकॉर्डिंग। देन मैंने यहाँ पे लिप को भी हाइड्रेट किया है। कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मैं मेकअप रेवोल्यूशन का, और मैं अपने आईज़ को कंसील कर रही हूँ बिकॉज जो भी कलर्स होंगे हमारे बहुत अच्छे से इन्हांस होंगे। और एक ब्रश की हेल्प से मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। देन मैं यहाँ पे अगेन मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ से मैंने वाइट कलर पिक किया है। आईज़ को मैं अच्छे से इवन आउट कर रही हूँ, और एक लाइक स्टिफ काइंड ऑफ ब्रश यूज़ किया है मैंने, और ट्रांजिशन बिल्ड कर रही हूँ। तो ट्रांजिशन बिल्ड करने के लिए मैंने एक ब्राउन काइंड ऑफ कलर पिक किया है, और एक थोड़ा सा बफिंग सा ब्रश यूज़ कर रही हूँ, और अगेन ट्रांजिशन को इंटेंस कर रही हूँ। एंड अगेन मैंने रेवोल्यूशन का पैलेट यूज़ किया है। एक अगेन स्टिफ ब्रश लिया है, आउटर फोर्थ पे ब्लैक कलर प्लेस कर रही हूँ, जस्ट आउटर फोर्थ पे एज एन डेप्थ दे रही हूँ। मैं आप देख सकते हो इस तरह से मैंने डेप्थ दिया। बहुत ही सिंपल आई मेकअप है ये, जस्ट आपने ट्रांजिशन बिल्ड करनी है, देन आपको आई पे डेप्थ देनी है। किसी भी कलर से आप डेप्थ दे सकते हो, थोड़ा डार्क होना चाहिए। और अच्छे से ब्लैक कलर को मर्ज किया है मैंने अपने ट्रांजिशन के साथ। स्विस ब्यूटी का मैंने यहाँ पे ये इल्यूमिनेटर लिया है, जो आई पे लाइक एज एन बहुत ही प्यारा सा इल्यूमिनेटर काइंड ऑफ है, ये आई शेडो है वैसे। और इसको मैंने डैब डैब करके प्लेस किया है आउटर थर्ड तक, मैंने इनर तक इसे प्लेस किया है। देन इसके बाद मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है। NYV का मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा और बहुत प्रिसाइजली ड्रॉ करता है ये लाइनर। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा एक्सटेन किया है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर है, एक हाइड्रेटिंग प्राइमर है ये। अगर ड्राई स्किन है आपकी तो आपको ये प्राइमर काफ़ी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा लाइक अगर मैं बोलूँ इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी सी लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब बहुत हाइड्रेटिंग है, आई मीन टू से। देन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फाउंडेशन, और वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन यूज़ किया है, सॉरी लैक्मे का फाउंडेशन यूज़ किया है। देन इसके बाद मैं इस तरह से इसको डैप कर रही हूँ, तो ये भी काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है। इफ़ अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये फाउंडेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर ड्राई स्किन वालों के लिए भी अच्छा है, बट आप थोड़ा सा इसमें सीरम ऐड ऑन कर सकते हो, फेशियल सीरम। और इस तरह से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ, तो अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, ब्लेंडिंग बहुत मस्ट है, ब्लेंडिंग ही की है इसमें। तो अच्छे से मैंने यहाँ पर ब्लेंडिंग की है। देन इसके बाद मैं अगेन पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और अगेन ट्रांजिशन कलर जो मैंने लिया था उसे मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर बफ कर रही हूँ। दोनों आईज़ पे सेम प्रोसेस किया है मैंने। देन इसके बाद मैं यहाँ पे वाइट काजल यूज़ कर रही हूँ NYB का, तो इससे आईज़ बहुत ज़रा ओपन अप और काफ़ी ज़रा बिगर लगेगी। तो इस तरह से मैंने अपनी आईज़ पे अप्लाई किया है। सो दोनों आईज़ पे अप्लाई किया है, और जो मेरा लेफ्ट ओवर कलर हो गया था ब्रश पे उसे मैं जस्ट अगेन इसके साथ मर्ज कर रही हूँ, तो इस तरह से ये लगेगा। और एसेंस का मैं यहाँ पे आईब्रो डिफाइनर यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है ये। तो इस तरह से मैंने अपने आईब्रो को डिफाइन किया है यहाँ पे। तो शुगर का मैं यहाँ पे ये ड्यू कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, इस तरह का एक ब्राउन्ज़र आता है इसमें, बहुत ही प्यारा है, लेकिन मुझे काफ़ी ज़रा पर्सनली पसंद है ये। तो इस तरह से मैं अपने फेस को ब्राउन्ज अप कर रही हूँ। देन सेम ही पैलेट से मैं यहाँ ब्लश यूज़ करूँगी, तो इस तरह से मैंने पहले नोज़ को अच्छे से ब्राउन्ज अप कर लिया है। यू कैन सी अच्छे से ब्राउन्ज अप करके फॉरहेड पे जो भी मुझे मेजरली लग रहा है, थोड़ा सा लाइक वाइटिस से थोड़ा सा टोन डाउन कर देता है जो ब्राउन्ज़र होता है हमारा, तो इस तरह से इसे टोन डाउन कर दिया है इसने। यू कैन सी इसमें जो ब्लशर है, हाइलाइटर है, बहुत ही अच्छा है। सो इस तरह से मैंने इसे ब्राउन्ज अप कर लिया। अच्छे से ब्लेंड करना है आपको, बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है यहाँ पे। देन सेम मैंने ब्लश यूज़ किया है, ब्लश भी बहुत कोरली
पिंक काइंड ऑफ कलर है, बहुत प्यारा ब्लश है इसमें। तो इस तरह से मैंने अच्छे से ब्लश अप्लाई करा है, बिकॉज इसमें ब्लश, ये जो कलर है ना, इस मतलब इस लुक को कॉम्प्लीमेंट करा है ये ब्लश जो है। देन इसके बाद मैंने हाइलाइटर अप्लाई करा है, ये भी हाइलाइटर बहुत सटल और बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है ये। तो इस तरह से मैंने हाइलाइटर भी अप्लाई करा है, लाइक चिक्स पे हो गया, ब्रिज ऑफ द नोज़, लाइक जो भी रिफ्लेक्शन हमारे फेस पे आनी चाहिए वहाँ पे मैंने हाइलाइटर अप्लाई करा है। और थोड़ा सा मैंने अपने इनर आई पे भी अप्लाई करा है, अपने आईब्रोज़ को भी थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हाईलाइटर अप्लाई करा है मैंने। देन इसके बाद NYB का लिप कलर यूज़ करा है, काफ़ी अच्छा लिप कलर है ये। तो इस तरह से मैंने अप्लाई करा है लिप कलर। देन इसके बाद मैंने अपना मस्कारा यूज़ करा है, तो वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा है ये। तो इस तरह से अच्छे से आईज को डिफाइन किया है मैंने, सो यू कैन सी। तो बहुत ही अच्छा लुक हो गया इसे, आप देख सकते हो। देन इसके बाद मैंने थोड़ा सा ना ग्लॉसी लिप्स का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने ग्लॉसी लिप्स को थोड़ा सा किया है, सो यू कैन सी। और थोड़ा सा मैंने ब्रश की हेल्प से मर्ज कर दिया, सो यू कैन सी। अच्छे से मैंने अप्लाई करा है ब्रश की हेल्प से, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली होना चाहिए। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे सेटिंग्स पे लाइक अ टोनर अप्लाई करा है, जो भी हमारा मेकअप होगा अच्छे से बाइंड हो जाएगा। और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से मैंने ब्लेंड आउट कर दिया, अब सारा जो मेकअप होगा वो अच्छे से बाइंड हो जाएगा हमारे फेस पे। तो इस तरह से अब कुछ भी लाइक पाउडर नेस फाउंडेशन सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देन यहाँ पे हेयर स्टाइल जस्ट नॉर्मली मैंने की है, तो जस्ट पार्टीशन किया है मैंने हेयर का, और फिर देन इसके बाद आप देख सकते हो। देन इसके बाद मैंने इयररिंग्स वेयर किए हैं, आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग इयररिंग्स वेयर कर सकते हो। मेरे पास ये इयररिंग्स थे सो मैंने ये वेयर किए हैं। सो दिस इज़ माई फाइनल आउटकम गाइज, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल मेकअप लुक है, बहुत ही ज़्यादा लाइक आप देख रहे हो आईज़ भी इतनी ज़्यादा इंटेंस है, इतनी ब्यूटीफुल लगेगी आईज़, और हर आउटफिट पे ये लुक आपका जाएगा। सो आई नो आपको पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस तरह से है, मैंने इस तरह से सूट वेयर किया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको वेयर कर सकते हो। मैंने पासा भी वेयर करके आपको दिखाया है कि पासे में ये लुक कैसा लगेगा, सो यू कैन सी बहुत बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, पहली बार मैंने ये लुक ट्राई किया है, सो यू कैन सी। सो या गाइस, दिस इज माय फाइनल आउटकम। आप पासे को अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शन पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो लुक है आप किसी भी फंक्शन या फिर किसी भी लाइक वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक में भी कर सकते हो। जस्ट टीका वेयर कर सकते हो, आप स्टोन बिंदी वेयर कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप इसको वेयर कर सकते हो, यू आर गुड टू गो। सो इस लुक को अचीव करने के लिए जो कुछ भी प्रोडक्ट मैंने यूज करे उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो मैं आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट शेयर कर फेस वॉश देख रही हूँ, जिसमें कोई भी हार्श केमिकल ना हो, कोई पैराबेन ना हो, आपकी स्किन को प्रॉब्लमेटिक ना दे। तो मैं आपको आज हाईली सजेस्ट करूंगी, दिस इज फ्रॉम न्यूड कैरेट सीड फेस वॉश। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मैं इसे काफी दिन से ट्राई कर रही हूँ इसमें, सो मुझे काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं इससे। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें भी काफी अच्छा ऑफर चल रहा है, तो आप बाय कर सकते हो। सो या गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ये हेल्पफुल लगी हो, सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मैं ऑल विश यू मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखिए, आप सबको ईद मुबारक। सो बाय।